एक्चुअली हुआ क्या कि जब आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड तब इंडियन आइडल 1 आया था, तो तब माँ बाप ने बोला कि अभी तो 10th के बोर्ड एग्जाम्स हैं तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। आई सेड फेयर इनफ, ठीक है, ये तो बनता है 10th पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। इंडियन आइडल 2 के टाइम में 11th के एग्ज़ाम्स थे तो मना कर दिया गया। इंडियन आइडल 3 के टाइम पे 12th के एग्ज़ाम्स थे, तो मुझे लगा कि अब ये तो मतलब हद ही है। तो आई सेड कि अगर तुम लोग नहीं लेके जा सकते हो तो कोई बात नहीं, हम खुद चले जाएंगे, हम घर इसे छोड़ के भाग जाते हैं, देख लेते हैं ऑडिशन कैसे क्या होगा। तो फिर माँ बाप को समझ आया कि इस साल ये नहीं मानेगी। और मेरा कॉलेज जो था पटना वुमेंस कॉलेज, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। आई रिमेंबर कि मुझे टीवी पर देखकर ये पता था कि जाते हैं सीधा जजेस के सामने जाके आप ऑडिशन दे देते, पर ऐसा होता नहीं है। आप जाते हैं, आप ऑलमोस्ट 3 से 4 से 5 राउंड्स आपको क्लियर करने होते हैं टिल यू रीच द जजेस, और उसमें टाइम जाता है, उसमें 2 से 3 दिन लग जाता है। और आप अपने शहर से बाहर जाते हैं, और बिहार में आपके लिए मतलब जब तक मैं थी तब तक तो कोई ऑडिशंस नहीं होते थे। सो आई हैड टू गो टू कानपुर, और वहाँ पे 3 दिन एक्सटेंड हो गया। और जिस दिन मैं लौट के आई, फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड, और जिस दिन लौट के आई वहाँ से स्टेशन से सीधा आई केम रनिंग टू माई कॉलेज। और आधा घंटा एग्ज़ाम का शुरू हो चुका था, हम लोग के टेस्ट्स हो रहे थे, जो प्रैक्टिकल के टेस्ट्स होते हैं वो हो रहे थे, और उसके बाद वाइवा था। बट द टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव एंड दे वर वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। सो एंड देन आई टॉप्ड द कॉलेज एग्ज़ाम्स, मेरा 12th का जो था। तो मेरे लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा, वो धमकी देना मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली पता है शिवेंद्र, बहुत अच्छा सवाल है ये, किसी ने पूछा नहीं कभी मुझसे कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। आई थिंक वो जो एज होता है 16, 17, that age in itself is, you know, people whoever it is, they are if they believe in themselves, वो अपने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। वो एज ही ऐसा होता है, आप गलत भी कर रहे होंगे तो आपकी नज़र में अगर वो सही है तो उस एज में वो बिल्कुल सही लगता है, और बहुत कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते हैं। तो संगीत की तालीम मेरी बिल्कुल वैसे नॉर्मल लोगों की तरह थी, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इसलिए था क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते थे मुझे हर सिंगिंग कंपटीशन में लेकर जाना। और आप जब छोटे लेवल पे गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, और वहाँ पे जब रिस्पांस मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। मेरे स्कूल माउंट कार्मेल में मैं पढ़ी हूँ, मेरे स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आई वॉज द स्कूल लीडर, और हर कल्चरल इवेंट को मैं खुद, यू नो, आई यूज टू क्रिएट एंड वर्क फॉर इट। बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 50 सीक्वेंसेस हैं तो उसमें से लगभग 40 में मुझे परफॉर्म करना होता था। तो आई थिंक बचपन से आपकी तालीम अगर सही हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट। और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरे स्कूल की वजह से प्राइमरीली हुआ, और उसके बाद आगे मेरे माता पिता ने इतने कॉम्पिटिशन्स में मुझे पार्टिसिपेट करवाया। एंड देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर फेट। मेरी किस्मत मेरे टैलेंट और मेरे कॉन्फिडेंस से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी नहीं किसी की भी। और आई थिंक मेरे किस्मत का सिक्का चल गया वहाँ। मैं स्कूल में, मेरा एडमिशन हुआ था माउंट कार्मेल में, और केजी में हमें एक किंडरगार्टन में हमें एक भजन सिखाया गया, ए मालिक तेरे बंदे हम। और मैं घर आई, घर पे बैठ के मेरी माँ सो गई थी अपने कमरे में, और मैं हाथ जोड़ के आँख बंद करके गाना गा रही थी। आई वॉज प्रैक्टिसिंग दैट सॉन्ग। और क्योंकि दूर से धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, तो मेरी माँ रेडियो बहुत सुनती थी, तो मेरी माँ को नींद में लगा कि शायद रेडियो ऑन छूट गया है। तो जब उसने नज़र उठा के देखा तो देखा पीछे उसकी छोटी सी बेटी, यानी कि मैं, बैठ के ये गाना गा रही थी। तो माई मदर कुडेंट बिलीव इट। पहली बार तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि इस ये 3 साल की बच्ची के अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है। पर वहाँ शी रियलाइज्ड कि इसको गाना आता है, इसके अंदर सुर है, जो अपेरेंटली मेरे घर में बहुत ज़्यादा सबके अंदर नहीं था, और म्यूज़िक की तालीम भी ली जाती है ये भी पता नहीं था। तो जब स्कूल में धीरे धीरे आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, तो वहाँ से मेरी डायरी में वो नोट्स टीचर्स लिख के भेजते हैं ना, उसमें भी लिख के आता था कि इसको प्लीज़ आप प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाइए गाने की। और इसको बहुत दिनों तक सीरियसली नहीं लिया गया, टिल आई रीच्ड लाइक 2nd और 3rd क्लास में जब मैं गई, तो फिर मेरी टीचर ने पकड़ के, क्लास टीचर ने मेरी माँ को बोला कि इसको प्लीज़ आप गाना सिखाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गाती है और बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के देन शी विल नॉट ग्रो। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक। और मेरे गुरु हैं शिवशीष मुखर्जी जी, उन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनके पास सीखी कुछ 5 साल से भी ज़्यादा, 5 साढ़े 5 साल मैंने सीखा। और बहुत लेट एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बीच में बहुत सारे गुरु आए, पर किसी के साथ मुझे ना मुझे कभी प्रॉब्लम होती थी कभी उन्हें होती थी, तो तालमेल बैठा नहीं। सो असल मायने में मैंने शिवशीष सर से ही सीखा गाना। और 5 साढ़े 5 साल तक, जब तक 5 फिफ्थ ईयर मैंने पूरा किया और इधर इंडियन आइडल हो गया, तो मेरी तालीम का बहुत बड़ा हाथ इसलिए है क्योंकि क्लासिकल ट्रेनिंग मेरी चल रही थी और पैरेलली मेरी माँ लता जी को और आशा जी को बहुत सुनती थी। तो मेरे पास एक 2-in-1 खरीदा के आया था मेरे लिए, उसमें कैसेट बजा के, और वो ₹2 में एक गाना रिकॉर्ड होता था कैसेट में। तो जितने गाने होते थे, जैसे रंगोली पे आ रहा है या चित्रहार पे आ रहा है, तो वो गानों का लिस्ट बनाकर मेरी माँ हमेशा उसको किसी को पैसे देकर वो गाने कैसेट में रिकॉर्ड करवाती थी। एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू लर्न। तो मेरे गाने की शिक्षा जो है वो पूरी तरह से बिहार, और आप सही कह रहे हैं क्योंकि बिहार में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, आज थैंकफुली उतनी ज़्यादा नहीं है। पर मेरे पिताजी पुलिस में हैं, तो घर का माहौल जो था वो बड़ा स्ट्रिक्ट सा और बहुत पुलिसिया माहौल था, उसमें संगीत धीरे धीरे अपनी जगह बना पाया। बहुत अच्छा सवाल है शिवेंद्र, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आपने पूछा, मैंने अभी पहले भी बताया कि स्कूल में ऑब्वियसली बहुत इज्जत थी मेरे इस टैलेंट की। एंड आई वॉज मल्टी टैलेंटेड, सिर्फ गाना ही नहीं, डांस करने की ज़रूरत हो तो डांस भी हो जाएगा, एक्टिंग की ज़रूरत हो एक्टिंग भी हो जाएगा। तो पहले से ही समझ आ गया था कि मेरा लाइन जो है वो पढ़ाई लिखाई से थोड़ा हटकर है, थोड़ा अलग है। आई वॉज वेरी कीन ऑन ऑब्वियसली जर्नलिज्म, और शुरू में मुझे यूपीएससी का भी था, मुझे लगता था कि मैं IPS बनूंगी एंड आई विल बी एन ऑनेस्ट IPS ऑफिसर, सो आई विल स्टडी हार्ड, और ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक वो एज में आपको लगता है कि आप जो करें वो लेवल बेस्ट हो, सो आई स्टिल बिलीव इन दैट। तो वो उस समय बहुत पराकाष्ठा पर था। तो स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। क्यों? उसकी 2 वजह है। पहला कि हमारा स्कूल वॉज वेरी एक्टिव इन द कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट, नॉट जस्ट द सिटी। पूरे बिहार स्टेट में कहीं भी कल्चरल एक्टिविटी होता था तो माउंट कार्मेल का नाम बहुत आगे होता था। हम लोग हमेशा हर कंपटीशन में हमारी एंट्री होती ही थी, एंड फॉर्चुनेटली मेरे पहले के बैचेस से भी प्राइज़ हमारे यहाँ ज़रूर आता था। तो पहला तो वो वजह था, और दूसरी वजह ये थी कि हम लोग गर्ल्स स्कूल थे। तो जब गर्ल्स स्कूल में आप पढ़ते हैं तो बिहार जैसे जगह पर जनरली क्या होता है कि लड़के हैं, देख रहे हैं कोई लड़का कुछ बोल रहा है, कोई लड़का कैसे बात कर रहा है, कभी घर पे कोई पहुंच गया लड़का, पीछा कर रहा है, ये सारी चीज़ें गर्ल्स स्कूल में होने की वजह से मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा। हाँ, अगर मैं लड़कों के साथ पली बड़ी होती, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सब जगह होता है या को एजुकेशन में ऐसा ही होता है, पर बिहार में जिस वक्त की बात मैं कर रही हूँ इस वक्त माहौल ऐसा ही था। लड़कियां डरती थीं लड़कों से बात करने में, और लड़के के लिए भी इतना कॉमन नहीं था लड़की से बात करना। तो वैसे में अगर लड़की बहुत आउटशाइन कर रही है, बहुत टैलेंटेड है, शी इज़ यू नो आउट देयर एवरीवेयर, तो ये डर होता था कि कहीं ये लड़का पीछे नहीं आ जाए, और इस तरह का प्रेशर समाज से बनता था। फॉर्चुनेटली मेरा गर्ल्स स्कूल था इसलिए ये प्रेशर नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे परिवार में, फॉर्चुनेटली मेरे परिवार में कोई भी इस सोच का नहीं था, यहाँ तक कि मेरे दादाजी भी इस सोच के नहीं थे कि ये इसको नहीं करने देना चाहिए। एक्चुअली दे वर वेरी इनडिफरेंट, दे वर वेरी हैप्पी जो हो रहा है उससे, और इसके लिए बहुत प्रोत्साहित भी नहीं करते थे और हतोत्साहित भी नहीं करते थे, बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल थे वो लोग। मेरी माँ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी इसके लिए, लेकिन मेरी माँ को कभी किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं दिया गया कि ये नहीं करवाइए इससे। बाहर के जो दूर दराज के लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस के, वो कहते थे, पर उससे मेरी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सो आई एम रेज्ड बाय अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन दैट वे, क्योंकि जब बिहार में लड़कियाँ बहुत अनसेफ थीं उस वक्त मेरी माँ हम दोनों को साइकिल से स्कूल भेजती थी, मुझे गाड़ी चलाना सिखाया गया, मुझे हर वो काम अकेले करो, जाओ जो करना है अकेले करो। सो आई थिंक अपब्रिंगिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिहार में होने के बावजूद अगर आपकी सोच ऐसी हो जैसी मेरी माँ की थी, तो आई थिंक देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग, फिर आपको कुछ भी नहीं रोक सकता है। सवाल सुनकर मैं एक्चुअली इमोशनल हो गई। क्योंकि हुआ क्या कि कुछ 4-5 दिन पहले आई स्टार्टेड रीडिंग द भोजपुरी साहित्य लिटरेचर, और उसमें बिंदिया करके एक नॉवेल है, उसमें एक इंट्रोडक्शन में एक लाइन है कि भोजपुरी का वृक्ष अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि उसकी छांव में हम सब जो लोग हैं वो बैठ सकें। और ये 50s में लिखा हुआ नॉवेल है, और उसमें वो ये लिखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर ये एक दिन आएगा जब ये वृक्ष इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसकी छांव में हम सब बैठ सकेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ। और मैं इमोशनल इतनी क्यों हो जाती हूँ मुझे पता नहीं। आई नेवर पेड अटेंशन टू माई मदर टंग, और हमेशा से बिहार में रहने की वजह से कल्चर ये था कि अंग्रेज़ी सीखो क्योंकि बाहर जाके अंग्रेज़ी में बात करनी है, और हिंदी तो अपनी अब हिंदी ही भाषा थी, भोजपुरी, मगही, मैथिली इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं था। पर जब मैं बड़ी होने लगी और सिंगर बन गई, तो जब भोजपुरी गानों के ऑफर्स आए तो मेरे माता पिता भी कहते थे कि मत गाओ बेटा, भोजपुरी मत गाओ प्लीज़, क्योंकि उसमें अश्लील गाने ही बनते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि अश्लीलता ही होगी। एक दिन अचानक से मैंने एक गाना सुना भोजपुरी में जिसको आशा जी ने गाया था, और दूसरा फिर गाना सुना जिसको मन्ना डे ने गाया था। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भोजपुरी फिल्म के गाने, मुझे लगा ये हिंदी फिल्म में ये गाने प्लेस किए गए होंगे भोजपुरी भाषा में। और तब देन आई स्टार्टेड, तब मुझे लगा कि ये क्यों मैंने अभी तक नहीं सुना था। फिर मैंने अपनी माँ को सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ कि यू नेवर गॉट मी इंट्रोड्यूस टू दीज सॉन्ग्स। और फॉर्चुनेटली इंडियन आइडल के 1-2 साल के अंदर मैंने एक्टिंग की शुरुआत की, और मेरा एक्टिंग जो हुआ वो भी पहली बार भोजपुरी सीरियल में मैं एज अ लीड आई, बड़की मलकाइन में। तो वहाँ से मेरी भाषा में, अपनी खुद की भाषा में इंटरेस्ट जागने लगा, और फिर ये गाने सुनने लगी। लेकिन तब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि यू नो मैं पब्लिकली खड़े होकर कह सकूँ कि आई वॉन्ट टू सिंग इन भोजपुरी, बिकॉज वो शर्म की बात होती थी। अभी भी बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं कि भोजपुरी मतलब अश्लील ही होगा। बट देन अलॉन्ग द वे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगी लोगों को, क्योंकि ये मेरी भाषा है, अगर मैं नहीं बताऊंगी कि इसमें सिर्फ अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता एक पहलू है, हिंदी सिनेमा में भी बहुत अश्लील चीज़ों को बेच करके और फिर हिंदी सिनेमा को हिट किया जाता है। हर इंडस्ट्री के में अश्लील और शलील दोनों काम होते हैं। भोजपुरी को बिल्कुल टैग कर देना कि वो अश्लील है, या उसका तो इतिहास ही ऐसा रहा होगा, इस मान्यता को अगर बदलना है तो मुझे स्वयं इसके लिए उतरना पड़ेगा इस काम में। और आपने सही कहा, एक मुहिम ही छेड़ी है मैंने कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, जो लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ी लिखी हैं, जो लड़के मेरे उम्र के हैं, अगर वो मुझे भोजपुरी में बोलते सुनेंगे, मुझे भोजपुरी में गाते सुनेंगे, तो उन्हें डेफिनेटली लगेगा कि यू नो हमें इससे बचने की ज़रूरत नहीं है, इससे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक ये पहलू, इसका एक ये अंदाज़ बयान भी हो सकता है। एंड दैट्स वाई आई टुक अप टू भोजपुरी। और पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना कुछ है भोजपुरी में बताने को, सुनाने को, सिखाने को। अभी तो मैंने सीखने की शुरुआत की है। मैं डेफिनेटली इस मुहिम का हिस्सा हूँ, और मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मेरे पहले लोगों ने कोशिश की है, मेरे बाद भी लोग कोशिश करें, इस भाषा को 8वीं सूची में लाने की कोशिश करें, इस भाषा पे और ज़ोर डालने की कोशिश करें, और अपनी भाषा को न त्यागें, क्योंकि हम छोड़ देंगे तो ये आगे कभी नहीं बढ़ेगा। हसी हसी पनवा खियौली बे मनवा, हसी हसी पनवा खियौली बे मनवा, कि अपना बसरे परदेस कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारे रे करजवा में ठेस, कजरी नजरिया से खेल रे बदरिया, कजरी खिले रे बदरिया के बरसे रकतवा के नीर, सर्दी के मारे छाई जरदी चनरमा पे गरदी मिले तक दीर। हो हसी हसी पनावा खियौले बे मनवा के अपना बसर पर। ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है और वेरी ऑनेस्टली मेरे सबसे दिल के करीब गायन ही है। मुझे गाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, पर ये कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे एक्टिंग में या डायरेक्शन में या एंकरिंग में कम मज़ा आता है। गाने में कुछ एक अलग बात है। गाने में एक्चुअली गाने में देखा जाए तो आई फील अ लॉट ऑफ गाने में अगर देखा जाए तो आई विल से कि मुझे बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। मज़ा तो चारों चीज़ों को करने में आता है, लेकिन गाना ही एक ऐसा है जिससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत शांति, बहुत सुकून और बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है टू एक्सप्रेस समवन एल्सेस लाइन्स और किसी दूसरे के धुन को आप यू नो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू सिंग। और सिर्फ अपनी आवाज़ से, सिर्फ अपने अंदाज से अगर आप सामने वाले को मोह लें, मुझे ये बहुत चार्मिंग लगता है। एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड विद दैट वॉइस। और बाकी चार्म है कि नहीं वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। मैं बिल्कुल टिप्स देने की स्थिति में हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू द सेम इमोशंस विच द किड्स आर गोइंग टुडे। और मैं आजकल के बच्चों से दो बात कहना चाहूँगी। पढ़ाई पे फोकस पूरा रखिए, क्योंकि पढ़ाई आपको क्या देता है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। इसको आप आंकने की कोशिश मत करिए कि इससे क्या फ़ायदा है। डेली लाइफ में तो कोई यूज़ नहीं होता है। बिकॉज आई नेवर यूज टू रिएक्ट द सेम वे, बट आई यूज टू सी अदर चिल्ड्रन रिएक्ट जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो पढ़ाई से कभी किसी का बुरा तो हुआ नहीं। तो आपको अगर अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अपने टैलेंट को निखारना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो ये बेस है ना पढ़ाई का, इसको बना के रखिए। क्योंकि फ्यूचर में आप आर्टिस्ट बनते हैं अगर, तो आर्टिस्ट के साथ बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आप ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगी या मैं गाना गाऊंगा, मैं एक्टिंग करूंगा, पर इसमें बहुत स्ट्रगल है। एंड इफ़ यू डोंट हैव अ बेस ऑफ स्टडीज़ तो अगर कल को, जैसे आज कोरोना काल में बहुत मुश्किल है आर्टिस्ट्स के लिए सर्वाइव करना। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुंबई छोड़कर वापस जा चुके हैं। तो उसमें आपको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए पढ़ाई आपको हेल्प करेगी। पर भगवान ना करे कि आपको ऐसी ज़रूरत हो। भगवान की दया से हम लोग अभी उस स्थिति में हैं जहाँ पर हमें ऐसी कोई भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको अपने टैलेंट पे काम करना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू आर रियली गुड। और ये आपको बताएंगे आपके गुरु, आपके टीचर्स, आपके दोस्त नहीं, क्योंकि दोस्तों के बीच में आपके ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ही के एज के होंगे वो। तो अपने दोस्तों से इसको कंफर्म मत करिए। किसी भी तरह का टैलेंट है तो जो उस फील्ड का आपके शहर में एक्सपर्ट है उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितनी कमी है, कितना स्कोप है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बड़े शहर पहुंच जाते हैं सिर्फ इस दम पे क्योंकि उनको 10 लोगों ने कह दिया कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, एंड जेन्युइनली वो बहुत ख़राब गाते हैं। ख़राब से मेरा मतलब उनके सुर नहीं लगते और उनको ऐसा लगता है कि इतना गा लेना ही बड़ी बात होती है। स्टूडियो में तो कोई भी गा लेता है, एक्टर्स भी आजकल गाना गाते हैं। प्लीज़ इस धारणा में मत रहिए। आप अपने टैलेंट को खुद से क्रिटिकली एनालाइज करिए कि आप कितने अच्छे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, देन प्लीज़ गो टू एन एक्सपर्ट। और एक क्रॉस डबल ओपिनियन लीजिए। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर को हम लोग हमेशा 3-4 ओपिनियंस लेते हैं डॉक्टर्स में। लाइफ को भी इतना ही सीरियसली लीजिए। बस यूं ही नहीं कि बैठे और सोच लिया कि मैं तो गाता हूँ तो अब चलो मुंबई, ऐसा मत करिए। माँ बाप के बहुत मेहनत खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है माँ बाप का, तो उसको आप बहुत रेस्पॉन्सिबली, अगर आप 15-16 साल के हैं तो अब आप बहुत समझदार हैं, आप रेस्पॉन्सिबली उसको, उस पैसे को, माँ बाप के पैसे को भी खर्च करिए और ठोक पीट के जाइए। और जब जाइए, जब उतरिए तो इतना सही होकर उतरिए कि आपको वापस आने की गुंजाइश नहीं देखनी पड़े। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ नॉन टैलेंटेड लोग वापस आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, उस दूसरी परिस्थिति में आपकी पढ़ाई आपको हेल्प करती है। तो आप दोनों तरह से अपने आप को पूरी तरह तैयार करिए कि कहीं से भी फेलियर का चांस नहीं हो। पर अपने टैलेंट को प्लीज़ बिफोर यू इवन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आप प्लीज़ एक्सपर्ट्स की शरण में जाइए और उनसे पूछिए कि आप क्या जेन्युइनली अच्छे हैं, क्या आपके अंदर वो बात है कि आपको निखारा भी जा सके, या आप क्या है कि एक्टिंग हो या किसी भी प्रकार का कला हो आप उसको लेके जन्मते हैं, आपके अंदर वो हमेशा से पहले से ही होता है, आप उसको सिर्फ निखार सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उसको निखारने के पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि ये आपके अंदर है, एंड देन गो अहेड। बहुत सही कह रहे हैं आप शिवेंद्र। एक्चुअली जब मैं FTII गई थी तो मेरे FTII जाने का रीज़न ही ये था क्योंकि मैं सेट पर एक्टिंग करती थी और मैं बहुत सारे डेली सोप्स करती थी, और मुझे एज एन एक्टर ऐसा लगता था कि बहुत सारे इनपुट्स हैं जो मुझे देने का मन है, लेकिन मैं सिर्फ वो कर सकती हूँ जो डायरेक्टर चाहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कहानी है या ये जो सीन है, इसका एक अंडरलाइन एक मैसेज है जो मुझे एज एन एक्टर दिखाने की इच्छा होती थी, पर वो उसका परमिशन मुझे नहीं मिलता था क्योंकि डायरेक्टर हो सकता है कि उसको अलग ढंग से परसीव कर रहा था। तो FTII जाने का मकसद ही मेरा ये था कि मैं डायरेक्शन सीखूं और मैं अपनी एक फिल्म बनाऊं जिसमें मैं एक्टर्स को भी वो छूट दूं जो मुझे महसूस होती है बंधने पर, और मैं एज अ डायरेक्टर अलग अलग परसेप्शन को अपनी कहानी में जगह दे सकूं। सच बताऊं तो इसकी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त नहीं थी जिस वक्त मैं FTII में थी, पर धीरे 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 ऑब्वियसली वहाँ का माहौल जो है वो मैजिकल है और वहाँ की संगति मैजिकल है। तो धीरे धीरे विथ टाइम मुझे ये समझ आने लगा कि ये जो इंटर रिलेशन की बात कर रहे हैं आप कलाओं में, ये बहुत ही सत्य, बहुत गहन सत्य है। एंड व्हेन वी लुक एट, मेरे आइडल हैं किशोर कुमार साहब, अगर हम टैलेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से उनसे ऊपर कोई नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्टर। आई थिंक ही वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिंगर आई एवर हर्ड, और वो डायरेक्टर भी थे, वो एज अ कंपोजर, वो लिखते भी थे। तो अगर एक इंसान के अंदर किसी भी कला को समझने की हल्की सी भी दैवीय समझ है, उसके अंदर अगर ये ग्रेस है, उसके अंदर ये अगर आशीर्वाद है, तो ये सब देखेंगे आप कि जुड़ा हुआ है। जैसे संस्कृत में हम बचपन में ही पढ़ते थे जब संगीत की शिक्षा ले रहे थे, तो गीतम वादम नृत्यम च संगीत मुच्यते, ये हम बचपन में ही जानते थे कि गीत, वाद्य और संगीत तीनों का जब मिलन होता है तो फिर वो एक पूरा रूप लेता है संगीत का, गीत, वाद्य और नृत्य। तो मुझे लगता है ये सारे तीनों फॉर्म जो है आप मिला लीजिए तो इसमें नृत्य में बहुत भावभंगिमाएँ हैं, वो भी एक आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। जब आप गाना गाते हैं तो आपको स्टूडियो में, अगर रोमांटिक गाना है तो रोमांटिक फील करना है, सैड सॉन्ग है तो सैड फील करना है, अपनी आवाज़ के थ्रू, दिमाग में नहीं, आपका जो कला है उसको यूज़ करके आपको वो इमोशन अगर निखारना है या बताना है, तो इसका मतलब कि आप अगर एक अच्छे सिंगर हैं तो आप उतने ही बेहतरीन एक्टर भी हैं, क्योंकि आप एक्टिंग तो ऑन स्क्रीन नहीं कर रहे हैं, पर आपकी आवाज़ में जो दुख है वो एक्टर के चेहरे पर और दुख लेकर आता है। या फिर अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं और अगर आपको रिदम का समझ नहीं है तो आप डांस नहीं कर पाएंगे उस बीट पर। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं और आपको सही लिप सिंक नहीं आती है, तो अगर मैं हरकत ले रही हूँ तो आप एक फेक एक्शन भी कर सकते हैं। सो आई थिंक ऑल द फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स आर इंटर रिलेटेड। नहीं होगा तो ये जो पूरा का पूरा हम जो एंटरटेनमेंट है हमारी लाइफ में, ये किसी एक के दम पर पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे ही गाती हूँ, अभी मैंने गाया है, और अगर यहाँ पर पीछे अभी मेरे साथ सिंपल हारमोनियम और तबला भी होता तो ये अलग सुनाई देता। तो आई थिंक ऑल द आर्ट फॉर्म्स आर इंटरकनेक्टेड और मेरे लिए ये बहुत आसान है टू रिलेट कोरिलेट विद एवरीथिंग आई डू। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है सबका, क्योंकि गाना भी गाने को मिलता है, मैं एंकरिंग भी करती हूँ, मैं एक्टिंग भी करती हूँ, मुझे FTII में भी जाने का मौका मिला है, डायरेक्शन मैंने हाँ बहुत सही बात है। एक्चुअली जब पापा से जब भी बचपन को याद करती हूँ मैं, तो पापा का बहुत लेना देना इसलिए नहीं था मेरे म्यूज़िक के साथ क्योंकि मेरे पिताजी के पास टाइम ही नहीं होता था, वो पूरे दिन ऑफिस में ही रहते थे एंड पुलिस की नौकरी सबको पता है कि बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे पिताजी कुडेंट इन्वॉल्व हिमसेल्फ अ लॉट विद माई ग्रोइंग अप स्टेज एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, लेकिन उनको ये बातें तो पता थी ही कि ये जहाँ भी जाती है प्राइज़ लेकर आती है। और मेरे पिताजी का जो म्यूज़िक का अंडरस्टैंडिंग था, ये बहुत बड़ी बात है, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह था। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ, क्या होता था कि जब भी घर पे मेहमान आते थे तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब आपके घर पे एक बच्चा है जिसमें किसी भी प्रकार का टैलेंट है तो माँ बाप का काम होता है बेटा गा के सुनाओ, बेटा नाच के दिखाओ। तो ये मेरे साथ भी होता था, मेरे पिताजी या माताजी, मेरी माँ स्पेशली, शी वॉन्टेड एवरी वन टू लिसन टू हियर माई वॉइस, तो मैं हमेशा गाती थी। अब मेरे पिताजी को ये बात बहुत जम गई थी कि ये लड़की को, इसको माइक की ज़रूरत नहीं है, ये गाती है तो मोहल्ले के सारे लोग एक बार में सुन लेते हैं। ये उनकी म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग थी, विच आई थिंक वॉट ही मेंट इज इफ़ आई सिंग लाउड आई एम अ ब्रिलियंट सिंगर, बिकॉज सुर तो उनको लगता था कि हाँ ये तो वैसे ही सुनाई दे रहा है जैसे ओरिजिनल गाना है, तो ये तो सुरीली है, बट शी इज़ ऑल्सो लाउड, तो ये खड़ी होती है भीड़ में भी, तो 50-60-100 लोगों की भीड़ में बिना माइक के गा लेती है। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, जैसे जैसे इंडियन आइडल हैपेंड, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूज़िक ऑल्सो चेंज्ड, क्योंकि राइट एक्सपोजर के हिसाब से मुझे और बहुत सीखने को मिला। मुझे पता चला कि सिर्फ ज़ोर से गा ही देना टैलेंट नहीं है, आपकी आवाज़ में मॉड्यूलेशन, फील, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी कहा कि आपको अपनी आवाज़ के थ्रू इमोशंस डालना होता है, वो मैंने भी सीखा। ये कमाल की बात है कि मुझे सिखाया गया, मुझे एक्सपर्ट्स के निगरानी में मैं रही। जावेद साहब रहे जो मुझे हमेशा सिखाते थे, जावेद अख्तर साहब, अजय अतुल सर हमारे मेंटर थे इंडियन आइडल में, वो बहुत सिखाते थे। मुझे याद है ये पिया घर आया जो मैंने अभी गाया, जब मैंने रिहर्सल किया था 2007 में, तो मुझे बोला गया था बेटा बहुत अच्छा भजन गाया तुमने, तो मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था ये कि मेरा पिया घर आया को भजन कहकर ये लोग, दैट्स हाउ आई लर्नड। मुझे सिखाया गया कि हर गाने का इमोशन अलग होता है, थ्रो अलग होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन अलग होता है। पर मेरे पापा ने ये सब कब सीखा, कैसे सीखा, मुझे नहीं पता, बस विथ टाइम जैसे जैसे आई स्टार्टेड ग्रोइंग, आई स्टार्टेड चेंजिंग माई स्टाइल, मेरे पापा साथ में अडेप्ट करते चले गए। तो आज मेरे पापा का कान इतना पक्का है कि अगर वो सुबह ब्रश कर रहे हैं और मेरी आवाज़ आई और एक सुर गलत लगा तो वहाँ से सर ऐसे हिलाते हैं, नहीं सही नहीं, गलत है, विच इज़ वंडरफुल, क्योंकि मेरे पापा को म्यूज़िक की कोई ऐसी ना समझ थी ना इंटरेस्ट था। पर अब मेरे पापा, इफ़ आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, अगर मुझे किसी गाने की तैयारी करनी है, जब वो तैयार हो जाता है तो मैं, माँ हमेशा से रही है इस लिस्ट में जहाँ जिसके पास मैं जाती हूँ। बट नाउ आई नो दैट यू नो द फाइनल वर्डिक्ट वेदर दिस सॉन्ग इज़ वर्किंग और नॉट, ये मेरे पिताजी से भी आ सकता है, और मेरे पापा वो नुआंसेस बता देते हैं जो मेरी माँ भी मुझे नहीं बता पाती है। सो आई थिंक म्यूज़िक डज दैट, और एनी आर्ट फॉर्म अगर आप उसको बहुत शिद्दत से समझना चाहें तो वो आपको रेसिप्रोकेट करके समझाने लगती है। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड विद माय फादर, व्हेन ही सॉ कि ये मेरा इंटरेस्ट इतना इसमें बढ़ रहा है तो उन्होंने भी सीखने की शुरुआत की। और मेरे पिताजी हमेशा ऐसे रहे हैं दैट यू नो, वो हमेशा इस बात को मानते हैं कि आप इंसान ही सब कुछ कर सकता है, तो अगर आप चाह दें तो आप किसी भी चीज़ को सीख समझ सकते हैं। वो भी वैसे हैं और हमें भी वैसा बनाया है। सो आई थिंक ही ऑल्सो हैज़ He's worked very hard to कि हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर वो आज के ज़माने में, जैसे मेरे पापा कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं, मेरे पापा के जनरेशन के बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। सो दिस शोज़ कि मेरे पिताजी कितने समय के साथ कदम से कदम मिला के चलने वालों में से। सो आई थिंक पुलिस की नौकरी से आपको डिफ़ाइन करना गलत होगा, क्योंकि किसी को भी कहते हैं ना कि चेहरा देखकर आप उनको जज नहीं करें कि वो कैसे होंगे, ठीक वही बात है कि मुझे ऐसा लगता था कि पापा पुलिस में क्या समझेंगे, पर ऐसा है नहीं। समय के साथ सब सीखते हैं, सब बदलते हैं।